AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों ने सिर्फ इसके बारे में न्यूज देखी होगी या कोई पर्टिकुलर एक साइंस फिक्शन वीडियो देख ली होगी कि हाँ भाई AI होता है और लोगों ने AI बिल्ड कर लिया है कि हाँ भाई अब चीजें AI से चलेंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे। बहुत से लोगों ने तो AI का एक्सपीरियंस भी लिया होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि कैसी है ये। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि अब ये फीचर मतलब ये AI अब आपको गाड़ी के अंदर ही मिलेगा, मतलब SUV के अंदर। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपनी गाड़ी के अंदर AI फीचर डालने वाली है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर डालने वाली है। तो इस वीडियो को कोई एंड तक देखना, इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में इस कंपनी की गाड़ी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो कंपनी की मैं बात कर रहा था वो है MG मोटर्स। MG मोटर इंडियन मार्केट में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को लगातार बेहतर करने के लिए लगी हुई है। रिसेंटली MG ने इंडियन मार्केट में अपने आने वाली SUV, मतलब जिसकी नई SUV आने वाली है MG Aster, उसको प्रेजेंट किया है। और कंपनी ने ये क्लेम किया है कि भारत में पहली ऐसी व्हीकल होगी जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, मतलब AI मिलेगा। और इसके अलावा MG की Aster गाड़ी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के साथ आएगी। फिलहाल MG ने इस SUV को सिर्फ प्रेजेंट किया है, मतलब इसका थोड़ा सा शोकेस किया है। और इसकी जो बुकिंग है, अगर आप लोग सोच रहे हो बुकिंग कराने के लिए, तो ये 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। जहां तक डिजाइन की बात है तो MG Aster काफी हद तक देखने में कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV MG ZS जैसी लगती है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जो अवेलेबल है ZS, उसके फेसलिफ्ट मॉडल पे भी बेस्ड होगी। तो थोड़ा सा इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा है इसका डिजाइन। इसमें नए डिजाइन के हेक्सागन शेप के ग्रिल दिए गए हैं, नए बम्पर दिए गए हैं, नए फॉग लैंप और LED डे टाइम रनिंग लाइट के साथ इसका जो लुक है काफी अच्छा बनता है। वहीं अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो उसके अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट के साथ फॉक्स किट प्लेट मिलती है, जिसमें 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। MG के इस नए SUV की खास बात यह होगी कि इसके लिए देश की मेन टेलीकॉम कंपनी मतलब Jio के साथ एग्रीमेंट किया है। यानी कि इस गाड़ी के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मिलेगा उसके लिए Jio काम करेगा, सीधा सा सीधा हिसाब है। तो ये तो चलो मैंने बता दिया कि इसके अंदर AI कौन सी कंपनी आपको देगी, मतलब किसके थ्रू मिलेगा, यानी कि इंडियन कंपनी है Jio। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको इंजन कितने का मिल रहा है। कंपनी ने इस SUV को 2 अलग अलग पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है, मतलब प्रेजेंट किया है, जिसमें पहला तो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 110 HP का पावर देगा और 144 Nm का टॉर्क देगा। वहीं दूसरा है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 140 HP का पावर देगा और 220 Nm का टॉर्क देगा। जहां 1.5 लीटर वाला इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही 8 स्टेप CVT गियरबॉक्स के साथ आएगा, वहीं 1.3 लीटर वाला इंजन सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। और MG कंपनी का ये कहना है कि नई SUV CAAP मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कार एज ए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अभी MG की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी मौजूद है इंडियन मार्केट में, मतलब ZS EV, उसका ही ये IC वर्जन है। MG मोटर्स ने अपनी Aster गाड़ी के अंदर AI के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर डाले हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी बनाते हैं। MG Aster गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपर्पज कैमरा मिलता है जो कि ड्राइविंग के समय अलग अलग फैसिलिटी देता है आपको, जिनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैंड कीपिंग असिस्टेंट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, मतलब अगर गाड़ी आगे टच होने वाली हो तो उसकी वार्निंग मिल जाएगी आपको, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, लेन डिपार्चर वार्निंग, मतलब अगर बगल वाली लेन से कोई ओवरटेक करे तो इसकी भी वार्निंग आपको मिल जाएगी, जो कि BMW में पहले PPVP करता है, इसमें भी अब करेगा। RDA मतलब रियर ड्राइव असिस्ट, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल और स्पीड असिस्टेंट सिस्टम जैसे कई सारे फीचर आपको मिलेंगे। और MG कंपनी का ये भी कहना है कि जो सारे फीचर हैं जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस उसको काफ़ी सेफ और कंफर्टेबल बनाएगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी, कि भैया AI फीचर मिलेगा गाड़ी के अंदर इन्हें पहली बार, तो इसकी प्राइस भी तो कुछ ऐसी होगी ना कि हाँ अच्छी खासी होगी। तो मैं बता दूँ, MG मोटर जब तक इसका ऑफिशियल लॉन्च नहीं कर देती तब तक इसका कोई ऐसा अनुमान लगाना या प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, मगर बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में इसे सेल करने के लिए इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इंडियन मार्केट में आने के बाद ये सीधे सीधे टक्कर देगी हुंडई क्रेटा को, किया सेल्टोस को, निसान किक्स को, स्कोडा कुशाक को, मतलब इन सब गाड़ी को सीधे सीधे टक्कर देगी और काफ़ी अच्छी कड़ी टक्कर देगी अगर मैं प्राइस को हटा दूँ तो। अब तो AI फीचर आपको गाड़ी के अंदर ही मिलेगा, पहले आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ही देखा था, अब गाड़ी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी MG की गाड़ी के अंदर, वो भी Aster के अंदर। बाकी इसकी प्राइस के बारे में तो तभी पता चलेगा जब इसको लॉन्च करेगी, मतलब अक्टूबर में, यानी कि अगले महीने। थोड़ा सा वेट कर लो कि कंपनी इसका प्राइस रिवील करे और मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँ। आप लोग अगर मेरे को वहाँ फॉलो नहीं करे तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसे छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ कि हाँ कौन सी गाड़ी आ रही है या मेरी अगली वीडियो कौन सी आ रही है या किस कंपनी ने अपनी गाड़ी को वापस बुला लिया, मतलब कॉल आउट कर लिया, ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ छोटी मोटी। तो बाकी इस वीडियो से वित्त के ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी, मेटी लगी तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।